प्रिया ने हमें आके ये दिया, ये एक पार्सल है और मैंने इसे छेड़ा नहीं। अब बज रहे 6:30, तो मैंने कहा अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं बिजी था और ये भी नहीं पता किसने क्या भेजा है, भगवान मालिक है। तो पहली बार इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई लोग, आज है 14 मार्च का दिन, महादेव का दिन है, सोमवार, हफ्ता शुरू हो चुका है बोले तो बॉस, और इसी वीक में सिर्फ 3 दिन और, सोम, आज मंगल, कल बुध और बृहस्पति, 4 दिन टोटल मतलब जाना है, उसके बाद होली है। और होली पे मे भी छुट्टी रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया ना ऑफिस की तरफ से, जैसा आता है नोटिस आ जाता है कि होली वाले दिन छुट्टी है नहीं, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। और हाँ, अब बज रहे हैं 9:30 और भाई उठ चुका है और नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, और नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मिलते हैं और सफ़र शुरू करते हैं ऑफिस की ओर, क्योंकि हमें आज पहुँचना है 11 बजे तक ऑफिस, 10 बजे तक सब निकलना, आधा घंटा है मेरे पे सब कुछ करने के लिए, फटाफट से करना होगा बॉस, क्योंकि आपको बताया था मैं सूरज भाई को किसी काम से जाना है और कल हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना ऑफिस, मतलब आज। तो तैयार होते हैं और मिलते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आपको जैसा कि देखा आपने, कल हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे। आई होप आप लोगों को वो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और उसे इतना प्यार देना जितनी हमें उम्मीद है। बाकी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं आज ऑफिस जल्दी आ गया था, 11 बजे मैं ऑफिस आ गया था, आते ही आपसे मुलाकात नहीं कर सका, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आते ही आपको पता है भाई के पास काम बहुत होता है हॉस्पिटल लाइन में भाई, तो आती वो क्वेरी सॉल्व करे भाई सारी जितनी भी क्वेरीज और न्यू पेशेंट की थी, क्योंकि मॉर्निंग शेड्यूल ऐसा होता है 11 से तो डॉक्टर साहब का टाइम रहता है हमारे जो ओपीडी होती है, तो 11 बजे मेरे आती ये था कि डॉक्टर साहब भी आएंगे, ओपीडी के पेशेंट भी आए, मैं उन सबसे देखो नदीम भाई और मैं अकेले थे फिर फ्रंट पे, हमने रिसेप्शन पे आ गई तो हमने वो समेटा। सूरज भाई अभी तक नहीं आए भाई लोग, तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और भाई लगा हुआ है काम में, तो हमने सोचा 2 बज रहे हैं, आपसे भी 2 मिनट गुफ्तगू कर ली जाए जरा सी। बाकी हाँ, आई होप आज का दिन आने वाला जो है हमारा बाकी का अभी तक बहुत अच्छा रहे, अभी तक का बहुत बढ़िया दिन बीता है। सुबह मेरी बहुत अच्छी हुई, मतलब सुबह में उठा मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज के दिन में कुछ खास है, आई डोंट नो क्या खास होगा क्या नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता, बट हाँ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो खास है, क्योंकि बहुत मन शांत था। एक मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब मेरा व्लॉग अच्छा बन जाए, एक जैसे संडे व्लॉग मैंने अच्छा बनाया, मैं घूमने गया, बंगला साहिब गया, कुछ भी एक नई चीज़ ट्राई करी, पगड़ी बंधवाई, उस पग को मैंने उतार के संभाल के रख दी, बगाया मंदिर के बराबर में ही, तो मन शांत था कि हाँ मेरा एक ब्लॉग अच्छा बन गया है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, तो इसलिए अगली सवेरा जो होता है ना फिर टेंशन भी उठता हूँ कि हाँ कल का कर लिया, आज का देखना, आज की शुरुआत करो, नहीं तो वो नई शुरुआत हम कर चुके हैं, ऑफिस आ चुके हैं, काम वाम कर रहे हैं, आपसे मिल लिए 2 मिनट बाकी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद काम वाम करके और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है मेरी जान। और पाजी मैं का कदी हंस भी लिया कर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग, इस वक्त बज चुका है 6:30 और आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, तो अचानक से हमारे गार्ड भैया, जब मैं वापस आया अपनी सीट पे अराउंड उस वक्त तोड़ते 4:30 के आसपास का टाइम था जब मैं मीटिंग में से आया वापस, तो गार्ड भैया ने हमें आके ये दिया, ये एक पार्सल है और मैंने इसे छेड़ा नहीं, अब बज रहे 6:30 तो मैंने कहा अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं बिजी था और ये भी नहीं पता किसने क्या भेजा है, भगवान मालिक है। तो पहली बार इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, शिवम वर्मा के लिए भेजा गया है, और मेरा ऑफिस का एड्रेस भी, मतलब जिसने भी भेजा है वो जान पहचान वाला है, कोई जानता है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा ऑफिस कहाँ है, किस जगह लोकेटेड है या क्या प्रॉपर नाम है, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया आपने किसी व्लॉग में या किसी को नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऑफिशियल लाइफ पे और मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हिले, जो जहाँ सीमित है वो वहीं तक लिमिटेड तक रहे। तो भाई ये किसी ने पार्सल भेजा, आई डोंट नो क्या है, अमेजोन से आया है, तो इसे देखते हैं क्या है इसमें और किसने भेजा है। भाई जिसने भेजा है प्लीज़ अगर वीडियो में देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, बाकी आई डोंट नो क्या है इसमें, देखते हैं पहले क्या है, हो सकता है किसी जानने वाले ने भेजा हो या मजे ले रहा हो कोई ऑफिस में से कोई बंदा ना हो, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर, है ना, एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं इसे क्या है, किसी ने तो भेजा, यूट्यूब वाले तो पता नहीं कब भेजेंगे यार, अमेज़ॉन वालों ने तो भेजा चलो हमारे लिए कुछ, तो देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो ये रहा वो पार्सल जिसकी अनबॉक्सिंग हम करने की बात कर रहे थे और इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। ट्राईपोड, कोई नोट है क्या ये? भाई बिल तो नहीं भेज दिया साथ में? हाँ बिल है, 1500 रुपये का,
भाई मेरे नाम पे किसने बिलिंग एड्रेस करके पेड किया भाई? भाई बिल ऑलरेडी पेडिड है, किसी ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, किसने भेजा है? अमेज़न के थ्रू ही हमारे पास आया है। और टचवुड ये मेरा जैसा ही लग रहा है जो मेरे पास है, ट्राईपॉड पहले जो था। भाई डिक्टो मेरे जैसा ही है, तो मेरे को डाउट हो रहा है, ये मुझे लग रहा है सिर्फ दो तीन जने हैं जो हरकत कर सकते हैं। या तो ये ज्योति ने ऑर्डर किया है क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो ट्राईपॉड है वो मिसिंग हो गया है, एक्चुअली घर शिफ्ट किया तो उसमें कहीं वो मिस हो गया, मिल नहीं रहा है। तो मैं कह रहा था कि मुझे नीड है, लेना है वापस ट्राईपॉड, क्योंकि काम उसी से हो रहा था बढ़िया। तो भाई या तो किसी अपने बंदे ने, जैसे कि ज्योति हो गई या निधि या काकू हो गए, पर वो भी प्रॉपर मेरे ऑफिस का एड्रेस नहीं जानते। ज्योति अगर ऑर्डर करती तो घर तक मंगवाती, वो ऑर्डर करती भी नहीं है इतना तो वो यार, वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं लेती इन चीज़ों में। तो पहली बात तो थैंक्स जिसने भी भेजा है, मुझे नीड थी। बट भाई नाम तो बता दो, मैं ऐसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना कि किसका है, बट बाकी हाँ मैं यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ। जिसने भी भेजा देख लेते ना भाई पहले क्या है। नाम तुमने कहीं लिखा नहीं मेरी जान, तो मैं ढूंढे कहाँ हूँ, तो सेट भी नहीं हो रहा शायद इसका, क्या हो रहा है ये? अच्छा अब लॉक हुआ है। ये हिल क्यों रहा है फोन? भाई थैंक यू सो मच इसने भी ये गिफ्ट हमें भेजा है, सेम ट्राईपॉड है मेरे जैसा, मेरा खो गया था। एक तो जो मतलब मेरी फैमिली में से अगर मैं बात करूँ तो ज्योति नहीं थी, काकू में से किसी का काम है ये, और अगर ऑफिस में से किसी ने करा तो एक सूरज भाई या नदीम भाई, नदीम भाई बैठे थे आज उनके सामने आया तो मतलब मेरे को बोल जाते या बता जाते कि शिवम मैंने ऑर्डर कर दिया तेरे लिए। और सूरज आज सुबह से है नहीं, और सूरज से मेरी इतनी बात भी नहीं हुई, तो मे बी सूरज ने ना करा हो तो पता करते हैं। लेट्स सी, कॉलिंग सूरज एंड किया है उसने, किया है तो फिर तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर तो छीन कर रख लेंगे। पेमेंट तो उसने करी दी हमें, मतलब ही नहीं सूरज भाई ने पेमेंट कर दी। भाई है अपना, पहले मैसेज डालता हूँ फ्री है या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली जहाँ गया हुआ है ना काम से, सर ने भेजा हुआ है, तो वो किसी काम से गया है, बता नहीं सकता। सूरज बड़ी कहाँ हो बड़ी? तो अगर सूरज भाई ने किया है तो थैंक यू सूरज भाई, बाकी कल तुम ऑफिस में आओगे कल खटिया खड़ी करते हैं। अगर तुमने मंगवाया तो यार मैं खुद ले लेता, मैंने कहा था इट्स नॉट अ बिग डील, हम ले लेंगे अगले महीने ले लेता मैं। मेरे को था कि मेरे को लेना है, बट मैं अभी नहीं लेता क्योंकि घर शिफ्टिंग में भी बहुत एक्सपेंस आता है बॉस को। मैं कहा 1500-2000 रुपये का खर्चा अभी मत करो, फिर कभी कर लेंगे। तो देखते हैं किसने भेजा है, और भैया जिसने भेजा हो, जिससे मालूम हो तो प्लीज़ बता देना वीडियो देख कर कि हमने भेजा है, हम उसको कम से कम थैंक यू तो बोल पाएंगे, ऐसे लेके कहाँ घूमेंगे। तो भैया ये वापस पैक करके रख देते हैं, कल सूरज भाई से मिलकर जब ही इसका उद्घाटन करेंगे प्रॉपर अगर उन्होंने दिया है तो। बाकी थैंक यू जिसने भी भेजा है हमारे लिए, और भगवान करे जल्दी से यूट्यूब से भी आ जाए कुछ, तो मेहनत सफल होगी। बाकी हाँ थैंक यू इसके लिए भाई, इसकी नीड थी, और नीड तो भी बहुत चीज़ें हैं जो लानी है, धीरे धीरे सब आ जाएगी, कोई नहीं। 6:30 एक नया ट्राईपॉड अनबॉक्सिंग हमने करके दिखा दी, तो काम करते हैं क्योंकि हमें 7:30 तक हद से मैक्स टू मैक्स निकल जाएंगे, और फिर मिलते हैं आपसे। हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, और पाजी मैं का छुट्टी हो गई है तो घर की ओर चलते हैं, और 7:30 हो रहे हैं, फटाफट अपना घर का सफ़र शुरू करते हैं और पहुँचते हैं घर। मे बी 8:30-9 मैक्स टू मैक्स हम अपने घर पहुँच जाएंगे, और घर जाके पता करता हूँ ज्योति ज्योति से भी ये ट्राईपॉड जो भेजा है भैया कहीं तुमने भेजा बता दो, क्योंकि अगर भेजा है तो यार खामा का खर्चा हो गया। ज्योति ने लिया है तो अभी नहीं लेना था, बाद में लेता, बट बाकी वो तो पता जाके वहीं पता चलेगा किसने भेजा है वो किसने नहीं। और चलते हैं घर, सफ़र शुरू करते हैं और मिलते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, मेरी जान तो क्या बोलती है पब्लिक, कैसे है? तो भाई लोग अपन देख लो कपड़े बदले हुए हैं, घर का बैकग्राउंड है तो अंडरस्टैंड है कि घर आ गया बंदा। मैं सही अपने घर आ गया था 8:20 पे, 7:30 निकला, 8:20 अपने घर आ गया, और कसम से मतलब आते ही मैंने सबसे पहला बैग वैग रखते ही मतलब मैं जैसे मुँह हाथ धो जाता हूँ, पहले सवाल ये पूछा है ज्योति से
हाँ भाई ट्राइपॉड तूने मंगवाया? कह नहीं, मेरे को फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने इसका अमेजोन खोला और उसमें देखा कोई ऑर्डर वॉर्डर हो, उसका भी नहीं था। फिर निधि को फ़ोन करा, उनसे पूछा तो भाई वो कह रही हमें तो आता ही नहीं है, मैं चलाती नहीं हूँ इतना, ये है वो है। तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो ट्राईपोड किसने दिलवाया है, मतलब किसने भेजा है। अब वो कल सूरज को फ़ोन कर रहा हूँ, सूरज भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहे यार, कहाँ बिजी है पता नहीं। आज शाम तक बस उनका एक मैसेज आया अब घर पहुँचा हूँ, वो भी आया मेरे पास 9:30 बजे के आसपास कि भाई अब घर पहुँचा हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी फ़ोन मत कर, जब इतना रुक गए हैं थोड़ी देर और रुक जाते हैं, कल सुबह ऑफिस जाके पूछते हैं भैया तूने मंगवाया तो बता दे, या नदीम भाई से पूछूंगा कहीं मुझे ले रहे हो बता ना रहे हो, जिसने भी मंगवाया पता चल जाए किसने भेजा ये पार्सल। रही है पार्सल, मैंने तो लगा भी दिया, मैंने तो खोल दिया था, जब अनबॉक्सिंग तो कर ही ली थी इसकी। मैं कहा तुम यहाँ आओ मेरी जान, गणपति पापा के बराबर में आओ, यहीं से व्लॉगिंग करना। तो फिलहाल तुमने ही लगा दिया इसे, और कल लेकर जाएंगे इसे ऑफिस और पूछेंगे भैया उनसे बता दो किसने भेजा है, भैया क्यों भेजा है, क्यों दिलाया है, हमने मांगा थोड़ी था तुमसे। मतलब गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो वेलकम बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बहुत कम गिफ्ट मिलते हैं हमें तो, अब तुमने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ पता लगना जरूरी ना किसने दिया है, कौन इतना भाई प्रेमी हो गया हमारा कि जो भेज रहा है गिफ्ट। तो ये कुछ दिखा रहा था भाई, इसी चीज़ पे दिल आ गया था इधर की। बस कितने प्यारे शोपीस लगा रखे हैं मैंने, शोपीस मेरे हैं भाई। ओए होए ओए होए ये मैं आ गया। तो अब बज चुके हैं भाई 10:30 और मैं सोता हूँ क्योंकि कल सुबह फिर उठना है जल्दी, और वही 12:30 की सड़ी हुई शिफ्ट है, धूप गंदी धूप सड़ी धूप वाली। तो कल ऑफिस जाके वेरिफिकेशन करते हैं भाई, बता दो सूरज भाई अगर तुमने भेजा है तो, वो तो वहीं जाके पता चलेगा किसने भेजा है किसने नहीं भेजा। बाकी इतने आप लोगों को पता आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लव यू गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो मेरा व्लॉग, और अगर भाई आप लोगों में से किसी ने भेजा है तो प्लीज़ मेंशन कर देना भाई कमेंट बॉक्स में किसने दिया है। और बाकी थैंक यू जिसने भी भेजा हो, सूरज भाई हो नदीम भाई हो। वैसे मेरा जो पूरा क्लियर डाउट जा रहा है बार बार मेरे को सूरज आ रहा है, क्योंकि एक वो ही है जो ये हरकत कर सकता है बंदा, मतलब वो ही भाई हैं जो कह कर सकते हैं कि ले ले चल शिवम के लिए गिफ्ट दे दिया। बाकी कल पता चलेगा किसने किया किसने नहीं किया। तो अब सोते हैं और आपसे कल मिलते हैं, तो अब सो जाएं, सो जाओ, बाय गाइस।